ఒక జర్నీ घुसने वाले हैं अभी थोड़ा देर बाद। न्यू बंबई देख सकते हो दोस्तों, छोड़ दिया है अभी ट्रेन। सुबह सुबह आसाम का एक कप चाय। देख सकते हैं बहुत सारा दुकान वगैरह है, चिप्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आप लोग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने लोग इसको देख के पता ही चल गया होगा आज का ब्लॉग किसके ऊपर है। आज का ब्लॉग है ट्रेन जाने के ऊपर। तो देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रेन खड़ा है और सुंदर सा ब्लॉग होगा। मेरे इन दिनों बहुत कॉमेंट आ रहा था कि भैया ट्रेन जर्नी दिखाए, ट्रेन जर्नी दिखाए। तो आज फ्रेंड लोगों के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सबके लिए ट्रेन जर्नी बहुत सुंदर सा, जो बेंगलोर एक्सप्रेस है जो न्यू तिनसुकिया से बेंगलोर तक जगह जाता है। और बहुत सारा आप लोग को स्टेशन दिखाऊंगा, कहाँ का बहुत सारा व्यू भी दिखाऊंगा। तो चलिए, और चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए मिलते हैं ट्रेन जर्नी ट्रेन के अंदर, चले आइए। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ट्रेन आ चुका है। तो इसी ट्रेन का आज मैं आप लोग को रिव्यू करके दिखाऊँगा। तो ये मतलब कैसा क्या है, स्टेशन किस किस टाइम पे पहुंचता है, कितना देर रुकता है, सब कुछ आज दिखाऊंगा। और ट्रेन का अंदर भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। और ये ट्रेन तिनसुकिया से छोड़ता है 6 बजे, डिब्रूगढ़ बानीपुर होके जाता है बेंगलोर तक। ये मिडिल में मोरेनी जंक्शन, गुवाहाटी, ग्वालपारा, बहुत कुछ स्टेशन, छोटा छोटा बड़ा स्टेशन भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं और आप लोग को जर्नी करके दिखाते हैं। और मेरे जितना भी ट्रेन लवर है सबके लिए मेरा एक सुंदर सा ब्लॉग आप लोग के लिए। तो चलिए जाते हैं। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से ट्रेन छोड़ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। बाय बाय डिब्रूगढ़, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। ये है बेंगलुरु एक्सप्रेस जो हम लोग अभी जर्नी कर रहे हैं। और इस 3A टायर है, ये 3A टायर जो 3AC है। तो ये तीन तरफ मतलब तीन बेड है ये ऐसा, और ये दोनों तीन ऐसा बेड होगा। और देख सकते अपने एक छोटा मोटा मिरर भी है, साइड में चार्जर भी बहुत सारा दिया गया है, देख सकते हैं ये सब चार्जर। और ये सेट में है, और ये बेड के सामने में भी चार्जर है। तो फिलहाल सब, और वो खाना सोना खाने के लिए ये सब ये जगह दिया गया है एक सुंदर सा। और बहुत बड़ा मतलब ये खिड़की है जो खोलता नहीं है, ग्लास है पूरा। सुबह जो होगा, तो अभी तो रात है, सुबह पूरा मतलब खिड़की से अच्छा व्यू दिखाई देगा। और इस तरफ भी बेड है, दो बेड अपर लोअर। तो ये अंदर का व्यू, और भी दिखाएंगे आप लोग को बहुत कुछ, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये बेंगलुरु एक्सप्रेस में अभी तो थोड़ा साफ सुथरा है, आप लोग देख सकते हैं ये बेसिन। और ये एक बाथरूम साफ सुथरा है, अभी ये एक बाथरूम दिया गया है ऐसा, ये इंडियन, ये बाथरूम इंडियन। ये बड़ा सा स्क्रीन जो मिरर दिया गया है, ये दिया गया है पानी के लिए अंदर में, ताकि ये एक हैंड वॉश भी दिया गया है। और एक बाथरूम है वो भी दिखा देता हूँ। इस साइड है दोस्तों जो ये है ऑस्ट्रेलिया जो बोल सकते हैं, ये ऐसा बाथरूम है एक। और ये मिरर सेम दिया गया है, खाली ये टॉयलेट करने के लिए ये खाली दूसरा है। और ये हैंड वॉश भी दिया गया है। तो अच्छा, ये ठीक ही है, पानी वगैरह सब आ रहा है अभी, और बाकी सब ठीक है। तो चलिए देख दोस्तों, तिनसुकिया से 81 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गया अभी मोरन हाट पे। और ये है मोरन हाट, पूरा अंधेरा है,
कुछ दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि रात हो चुका है। और ये अभी पहुंचा हूँ मोरन हाट, और ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग दौड़ के आ रहे हैं। क्योंकि मोरन हाट पे होल्ड है 2 मिनट, तो बहुत लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। और ये है मोरन स्टेशन, हो चुका है पार। छोड़ चुका है मोरन स्टेशन दोस्तों। 300 से 120 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गए हूँ शिवसागर टाउन पे। ये मेरे पीछे शिवसागर टाउन, और शिवसागर टाउन पे 5 मिनट का होल्ड है, तो अभी ट्रेन निकलने वाले हैं। चलो मिलते हैं, और आगे जाके अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग शिमुलगुड़ी, जाके आप लोग को फिर दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी शिवसागर टाउन हम लोग छोड़ चुके हैं। ये शिवसागर टाउन, टाउन से बहुत सुंदर सा एक क्राब ले रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। 300 से 136 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गए अभी शिमुलगुड़ी स्टेशन। ये शिमुलगुड़ी स्टेशन है, और इस जगह में होल्ड है 5 मिनट का। चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग का जर्नी बेंगलोर एक्सप्रेस से। चले आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं शिमुलगुड़ी स्टेशन अभी पूरा न्यू बन रहा है, देख सकते हैं फैन वगैरह अभी पूरा न्यू लगाया गया है, इसलिए बहुत साउंड हो रहा है इस तरफ मतलब स्टेशन पे। और पूरा एकदम मतलब सब कुछ न्यू बन रहा है, अभी बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला ही है। आगे भी देख रहे हैं पूरा एकदम न्यू मतलब घर सब पूरा एकदम पूरा न्यू बना रहा है अभी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं बेंगलोर एक्सप्रेस से। हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देरी में मोरियानी, तो मोरियानी में आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ से 190 किलोमीटर पार करके आगे पहुंच गए अभी मोहिनी जंक्शन पे। ये देख सकते हैं मेरे पीछे मोहिनी जंक्शन है, और यहाँ होल्ड है 5 मिनट, ज़्यादा नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कंटिन्यू करते हैं जर्नी। बहुत रात हो चुका है, और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग स्टेशन फॉरकटिंग पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बेंगलोर एक्सप्रेस, बेंगलोर एक्सप्रेस आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी जंक्शन पे दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा फूड वगैरह खाना खाने के लिए बहुत सारा दुकान वगैरह मिल जाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं बहुत सारा दुकान वगैरह है, चिप्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आप लोग को अवेलेबल, पानी वगैरह जूस वगैरह सब कुछ मिलेगा। और देख सकते हैं, और यहाँ पर आप साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिलेगा खाने के लिए, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिलेगा। और हम लोग का ट्रेन जाने के लिए रेडी हो चुका है, अभी हॉर्न भी दे चुका है, तो चढ़ते हैं ट्रेन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकल चुके हैं अभी मोहिनी जंक्शन से, देख सकते हैं दोस्तों। और ये मोहिनी जंक्शन, कुछ ही देरी बाद हम लोग को मिलेगा फॉरकटिंग, तो मिलते हैं आप लोग से फॉरकटिंग पे। रात हो चुका है इसलिए सब सोने के लिए रेडी हो रहा है। और मुझे एक मैसेज देना था, मैसेज ये है कि जो स्टाफ लोग आप लोग को चादर वगैरह देते हैं, ये जो एसी में जाने से चादर वगैरह देते हैं, पिलो कवर देते हैं, तो वो सबको मिसयूज मत कीजिएगा। क्योंकि कोई ऐसा भी लोग होता है जो घर में लेके चला जाता है, कोई स्टेशन के बाहर सोने के लिए लेके चला जाता है, ऐसा मत कीजिएगा। धुलाई करके बहुत अच्छा से देता है, और ऐसा करने से स्टाफ लोग का मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोग का सैलरी से इसका पैसा काटा जाता है, बहुत पैसा काटा जाता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, देख सकते बहुत सुंदर सा ये लोग पैकिंग वगैरह करके देते हैं, तो आप लोग मिसयूज मत कीजिएगा चादर पिलो वगैरह ये सब का। तो मेरा यही मैसेज था, तो आप लोग देखते पूरा सो गया सब हम लोग भी अभी। दोस्तों 300 से 288 किलोमीटर 228 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गए हूँ अभी
फोरकाटिंग जंक्शन पे, ये देख सकते हैं फोरकाटिंग जंक्शन, और यहाँ होल्ड है 2 मिनट का, तो होल्ड कमती है, इसलिए मतलब बहुत आदमी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेंगलोर एक्सप्रेस, और आगे जानी करते हैं बेंगलोर एक्सप्रेस पे आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सुबह मिलते हैं आप लोग से, बहुत खराब हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और शुभ रात्रि आप लोग के लिए, कल मिलते हैं सुबह। सुबह उठते ही आप लोग के साथ गुड मॉर्निंग, और आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर सा नज़ारा लेके आया हूँ, और ये सुंदर सा व्यू जो दिखाई दे रहे हैं। हम लोग गुवाहाटी स्टेशन पार करके आ चुके, क्योंकि गुवाहाटी स्टेशन 5 बजे पहुँच गया था और मैं सोया हुआ था तब दिखाने नहीं सका, तो अभी दिखाऊंगा आप लोगों को व्यू, जो देख सकते हैं कितना व्यू दिखाई दे रहा है, और भी अच्छा अच्छा व्यू दिखाते रहूँगा आप लोग को, मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखते रहिएगा, और यह देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, और मिलते हैं आगे स्टेशन पे जाके आप लोग से, तो आप लोग ठीक है ना, ठंडा दिन है, मौसम गर्म भी है। उस तरफ का मौसम कैसा होगा इधर का ना? हाँ, इधर तो असम में तो अभी ठीक है। हाँ, बंगाल पहुंचने के बाद कैसा है, क्या है? बोको स्टेशन, ये छोटा मोटा स्टेशन है, यहाँ नहीं रुकता है, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, लेकिन ना स्लो चला जाएगा, नहीं रुकेगा इस जगह में, डायरेक्ट अभी ग्वालपाड़ा जाकर रुकेगा। सुंदर स्टेशन बनाया है बोको, अभी पहले इतना सुंदर नहीं था। सुबह असम का एक कप चाय, असम का फेमस, और साथ में ऐसा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, चाय। लंबा सब पेट्रोल का टैंकी है, सब पेट्रोल, दोस्तों 300 से 680 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गए, अभी ग्वालपाड़ा स्टेशन, यह है ग्वालपाड़ा स्टेशन देख सकते हैं, और यहाँ होल्ड है 2 मिनट का, ज्यादा देर नहीं रुकेगा ट्रेन। ग्वालपाड़ा स्टेशन पार कर चुका हूँ सुबह 5 बजे, तब मैं सोया हुआ था तो दिखाने नहीं सका,
तो अभी जो जितना स्टेशन आएगा आप लोग को दिखाते हुए जाऊंगा। ये है ग्वालपर स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं पूरा बहुत सा ये सब रुका हुआ है ट्रेन। और आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी। ग्वालपर स्टेशन से ट्रेन अभी छोड़ चुका है, देख सकते दोस्तों छोड़ दिया है। अभी ट्रेन हम लोग का लेट है, अभी पूरा 30 मिनट लेट में चल रहा है, 30 मिनट लेट चल रहा है ट्रेन। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेशन हम लोग का अभी बोंगाईगांव, न्यू बोंगाईगांव पहुंचने वाले हैं थोड़ा देरी बाद। दिखाते हैं आप लोग को बोंगाईगांव में, और रास्ते में जो व्यू आप लोग को दिखाई देगा वो सब दिखाते हुए जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, जो अभी एक ब्रिज आने वाला है वो ब्रिज का नाम क्या है और कौन सा नदी है, नदी का नाम क्या है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, नदी का नाम और ब्रिज का नाम क्या है। ब्रिज के ऊपर इतना मतलब स्पीड से ट्रेन चल रहा है, डर लगता है मोबाइल गिर ना जाए वीडियो करते करते, ना मैं गिर जाऊं, ऐसा डर बना रहता है ब्रिज के ऊपर। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अच्छा अच्छा वीडियो और ट्रेन जानी में लाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं आगे। पहाड़ दोस्तों, ये अभी हम लोग बोंगाईगांव घुसने वाले हैं, अभी थोड़ा देरी बाद न्यू बोंगाईगांव। और एक पहाड़ देख नेशनल हाईवे दिखाई।
दिखाई दे रहा है सामने में। तो तिनसुकिया न्यू तिनसुकिया से 730 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गया अभी बंगाईगांव स्टेशन, जो यहाँ 5 मिनट का होल्ड है और बेंगलुरु एक्सप्रेस और 10 मिनट यहाँ लेट में चल रहा है गाड़ी। और नेक्स्ट स्टेशन है हम लोग का अलीपुर द्वार, जो बंगाल पे है। तो चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना कंटिन्यू करते हैं जर्नी। चले आगे बढ़ते हैं और मोटा मोटी लामडिंग स्टेशन पार होने के बाद 100 किलोमीटर ये ट्रेन मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस अपना कवर कर रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं और ट्रेन जर्नी शुरू करते हैं। न्यू बंगाईगांव अभी छोड़ चुके हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट स्टेशन अलीपुर द्वार। दोस्तों अभी आके पहुंचा हूँ कोकराझार स्टेशन पे। ये कोकराझार स्टेशन और इस जगह में स्टॉपिज नहीं है इस गाड़ी का, तो क्यों रुका है पता नहीं, कोई क्रॉसिंग वगैरह कुछ होगा शायद, इसलिए रुकाया गया है। तो कुछ देर में छोड़ देगा और 10 मिनट कुछ लेट है हम लोग का ट्रेन अभी भी। और ये कोकराझार स्टेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में हम लोग को श्रीरामपुर गेट भी मिलेगा, जो हम लोग का बंगाल घुस जाएंगे अलीपुर द्वार, बंगाल जाके पहुंच जाएंगे। और कोकराझार से थोड़ा ही दूरी है 10-15 किलोमीटर, जो श्रीरामपुर बॉर्डर हम लोग का आसाम का बॉर्डर है, फिर हम लोग बंगाल घुस जाएंगे चले आगे बढ़ते हैं। कोकराझार स्टेशन मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, दुकान पार बहुत कुछ है, सब कुछ ही है इस जगह। अभी हम लोग कोकराझार स्टेशन पार कर चुके हैं। अभी जो ट्रेन आप लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कामाख्या से दिल्ली तक जाता है और ये फास्टेस्ट ट्रेन है, बहुत फास्ट जाता है ये, और कामाख्या से दिल्ली तक। न्यू तिनसुकिया से 840 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गया हूँ अभी बंगाल अलीपुर द्वार पे, और यहाँ होल्ड है 5 मिनट का। तो हम लोग देख सकते हैं ये अलीपुर द्वार स्टेशन और ये बंगाल है, और कुछ ही देरी में हम लोग कोचबिहार पहुंचने वाले हैं, हम लोग का जो डेस्टिनेशन है पहुंच जाएंगे। और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी है, तो कोचबिहार जाके हम लोग का आज का ब्लॉग ख़त्म करेंगे ट्रेन जर्नी। और आप लोग मेरे चैनल बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ट्रेन जर्नी शुरू करते हैं बेंगलोर एक्सप्रेस पे, जो तिनसुकिया न्यू तिनसुकिया से आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीपुर द्वार से अभी ट्रेन छोड़ चुका है, कुछ ही देर में हम लोग कोचबिहार पहुँचने वाले हैं। Express.
कोचबिहार स्टेशन आके पहुंच गया हूँ, देख सकते हैं। तो जर्नी यही खत्म होगा कोचबिहार तक बेंगलोर एक्सप्रेस पे। तिनसुकिया से 860 किलोमीटर पार करके आके पहुंच गए अभी कोचबिहार स्टेशन पे, देख सकते हैं ये कोचबिहार स्टेशन मेरे सामने है। और आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोग के साथ। आप लोग अच्छा से रहे, सुस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।